आज हम इंदौर में आए हुए थे और इंदौर में देखो कितनी भयंकर बारिश हुई यार। इतनी खतरनाक बारिश हुई थी कि यहाँ पर गाड़ी निकालना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। ये हाल हुआ है आज इंदौर में, जो कि हम यार इंदौर माल लेने के लिए आए हुए थे और हमारे भी हालात बहुत ही बुरे हो चुके हैं। देखो यार मैं कितना गीला हो चुका हूँ यहाँ पर देख सकते हो, और मैं यहाँ पर ब्लॉग कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। चलिए मैं इसको ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज हम मंडी में आए हुए थे और यहाँ पर मंडी में देख सकते हैं अचार की केरी और जो दशहरी आम होती है देखने के लिए आए होते हैं, और इनका भाव हम तलाश करने के लिए आए होते हैं कि क्या क्या भाव चल रहा है। यहाँ पर अचार की केरी मात्र 50 से 60 रुपये किलो मिल जाएगी आपको, जो कि राम केरी, और जो दशहरी आम होता है वो आपको 20 से 25 से 30 रुपये किलो के बीच में मिल जाएगी। और ये इंदौर की सबसे बड़ी मंडी है, इस बड़ी मंडी के अंदर आप जाओगे तो आपको हर चीज़ काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाएगी। यहाँ पर सैंपल रखे हुए हैं, बट इस सैंपल से अनोखा सैंपल मैंने यहाँ पर देखा, ये ब्लैक वाले सैंपल, जो कि आपने आज तक नहीं देखे होंगे, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो ब्लैक वाले सैंपल। और यहाँ पर कांदा भी मिलता है, प्याज भी मिलते हैं, लहसुन भी मिलते हैं, काफ़ी सस्ते दामों में मिलते हैं। अगर आपको इसके बारे में जो नॉलेज लेनी है तो आप एक बार इंदौर मंडी जब अवश्य जाओ, आपको सारी नॉलेज मिले काफ़ी माल। तो गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंदौर के, जहाँ पर देख सकते हैं आप इंदौर के अंदर भयंकर बारिश हुई है, सड़क पर पानी पानी हो चुका है। जहाँ पर भी जाओ, जिधर भी जाओगे सड़क पर पानी हो चुका है, ऐसा लगता है कि बाढ़ आ चुकी है। मुझे ऐसा ही लग रहा है गाइस, देख सकते हैं आप लोग, फिर भी लोग ऐसे जोर जोरों से निकलने का ही काम कर रहे हैं। और मैं सरकार से गुजारिश करूँगा गाइस कि यहाँ पर जल्दी जल्दी इसका समाधान करें, इस लोगों को बहुत परेशानी आ रही है यहाँ पर हो जाता है, इसलिए इतना पानी हमें यहाँ पर दिखता है। तो हम भी यहाँ से फटाक से निकल चुके थे, हमें पानी यहाँ पर थोड़ा साफ हो चुका था मौसम, इसलिए हम यहाँ से निकल चुके थे। बट देखो यार कितना पानी है, ठीक है। और हम देख सकते हैं यार आप लोग की मेरी हालत जो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, इतना यहाँ पर हम गीला हो चुके थे और फिर भी हम लोग यहाँ से निकल गए। हम कुछ भी नहीं लाए थे, रेनकोट वेनकोट कुछ भी नहीं लाए थे, हमें लगा था कि बारिश नहीं आएगी। देखो आप हर गली में, जिस गली में हम जा रहे थे उस गली में यार इतना पानी था कि हमें समझ में नहीं आ रहा था यार कितना पानी आ कहाँ से रहा है। तो यार देख सकते हैं यहाँ पर इस गाड़ी भी बंद हो चुकी थी और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी आया हुआ था। हमने सोचा था शायद यार ये पानी यहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों आया हुआ है, बट बस लोगों का कहना था कि यार ये यहाँ पर क्या होता है कि नाले बहुत छोटे छोटे, इसलिए पानी ज़्यादा एकत्रित हो जाता है और इसीलिए यहाँ पर पानी ज़्यादा भरा जाता है। और यार गाड़ी निकालने में बहुत बड़ी परेशानी आ रही थी, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं जिससे देते भी, क्योंकि पानी तो गिर चुका है, अब कुछ होने वाला नहीं है। और हमने यहाँ पर आराम से इसको धीरे धीरे गाड़ी को बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद हम पहुँचे यहाँ सियागंज। और सियागंज पहुँचने के बाद हमने अपना जो भी माल लेना था वो लेके यहाँ से यार निकल गए। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर कमेंट कर देना, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और अब सोचूंगा कि यार मैं यार रोज़ डेली ब्लॉग बनाऊँगा।